क्या स्टार स्क्रीन अवार्ड के रेड कार्पेट पर शाहिद के साथ रणवीर की ये मस्ती थी टोटल फर्जी? क्या गले लगाकर मुराद ने की है रिबेल कबीर के साथ दगाबाजी? पहले गले लगाया, फिर कबीर सिंह के अवार्ड पर हक जताया, आखिर क्यों स्टार स्क्रीन अवार्ड्स के ऑर्गेनाइजर्स ने साशा को दिया धोखा? मुराद की खातिर कबीर सिंह की पीठ में दगाबाजी का खंजर क्यों घोपा? सुनो, मिस जिनचेक की जुबानी, स्टार स्क्रीन अवार्ड की शाम शाहिद कपूर के साथ हुए बिगेस्ट गूफ अप की कहानी। आखिर क्यों अवार्ड का सपना संजोकर इवेंट में आए साशा अब बहा रहे हैं पछतावे का पानी? As you know, 2019 goodbye कहने वाला है। 2020 को वेलकम करने से पहले बॉलीवुड में अवार्ड शोज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। 8 नवंबर की रात मुंबई में स्टार स्क्रीन अवार्ड्स होस्ट किए गए थे। गली गर्ल यानी आलिया मैडम को मेन इवेंट से पहले ही अवार्ड देकर स्टार स्क्रीन अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी करवा चुके हैं किरकिरी। आलिया जी, ओके 8 बजे के बाद जैसी आपकी मर्जी। लेकिन इसके बाद बेस्ट एक्टर अवार्ड को लेकर एंड मोमेंट पर हुई साजिश ने शाहिद मियां पर गिरा दी है धोखे वाली बिजली। मिस जिनचेक भी स्टार स्क्रीन अवार्ड्स की बैकस्टेज से धमाकेदार खबर लाई है। कैसे अवार्ड की आस में टकटकी लगाए बैठे कबीर सिंह को गली बॉय की वजह से मिला है जबरदस्त धोखा, ये बताने आई है। अकॉर्डिंग टू मिस जिनचेक, अवार्ड ऑर्गेनाइजर्स ने शाहिद को अपने शो में परफॉर्म करने के लिए अप्रोच किया था। स्टार स्टडेड नाइट में शाहिद को परफॉर्म करने के बदले ऑर्गेनाइजर्स ने बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी देने का वादा भी किया था। कबीर सिंह की सक्सेस के बाद से ही एक्साइटेड शाहिद की आंखों ने भी चमचमाती ट्रॉफी का सपना संजो लिया था। अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर भी साशा को सुपर एक्साइटेड मूड में देखा गया था। जहां जनाब सिम्बा के साथ मस्ती कर रहे थे, मुराद भी बार बार कबीर सिंह को गले लगा रहे थे। लेकिन किसे पता था कि पीछे से गले लगाकर ही पीठ पीछे खंजर घोप दिया जाएगा। कबीर के अरमानों पर रह पर मुराद पानी फेर जाएगा। गॉसिप क्वीन के मुताबिक मेन इवेंट शुरू होते ही सारी इक्वेशन चेंज हो गई। रिबेल कबीर को ट्रॉफी देने का वादा करने वाले ऑर्गेनाइजर्स की नियत बदल गई। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि शाहिद की कबीर सिंह पर रणवीर की गली बॉय का बाउंसर पड़ गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गली बॉय के मुराद को दे दिया गया। नतीजा ये हुआ कि इस धोखे के बाद साशा का मूड हो गया जबरदस्त खराब। परफॉर्म किए बिना ही अवार्ड नाइट से निकल गए जनाब। जिसके बाद धोखेबाज अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर्स ने कुली नंबर 1 वरुण धवन को अप्रोच किया और लास्ट मोमेंट पर बद्री ने स्टेज पर आकर परफॉर्म किया। वेल, धोखेबाज अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर्स को शायद अब कभी नहीं मिलेगी साशा की माफी, क्योंकि उन्होंने की है रिबेल कबीर सिंह को धोखा देने की गुस्ताखी।